होटल की ऑनलाइन बुकिंग करवाओगे। नैनीताल शहर के अंदर एंट्री तभी मिल रही है। बोट स्टैंड वाले एरिया में आ गए हैं। ये पूरा एरिया रहा खैर क्राउडेड। क्या खिला रही है तृष्णा? मछलियों को मिट्टी खिला रही है यार। Hey guys, क्या हाल है सभी का? I hope you all are good. मैं हूँ रोहित। So welcome back to the video. तो मार्केट जा रहे हैं, शौरी की जरा हेयर कटिंग करवानी है। त्रिशा भी कह रही है मेरी भी हेयर कटिंग करवा लो। क्यों, आपके बाल सही तो हो रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं। नहीं 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 कोई बेबी कटिंग नहीं होगी, अच्छे लग रहे हैं बाल। लेट्स सी अगर मैं भी हेयर कटिंग करवाऊं या नहीं करा, अभी मेरा भी कंफ्यूजन चल रहा है। मेरे तो बाल सही हो रहे हैं वैसे, तृष्णा सही हो रहे हैं। नहीं जी, यहां से कटवाना। चलो चलो देखते हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शौर्य और तृष्णा मैं भी साथ में चल रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए तो रुक जाओ। हाँ तुम दोनों तो अकेले मुझे छोड़कर जाए जा रहे हो यार। शौर्य तो किस टाइप की हेयर कटिंग कराएगा? एकदम सिंपल। सिंपल वाली या हैंडसम वाली? सिंपल। या मेरी तरह हैंडसम वाली? मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं, क्यों मैं हैंडसम नहीं हूँ? शौर्य को मैं हैंडसम लगता ही नहीं हूँ। ऑन रोड आ गए हैं और भाई भीड़ देख लो। शौर्य आओ रोड क्रॉस कर लो, यहाँ से हाथ पकड़ो मेरा, तृष्णा का भी हाथ पकड़ो, क्रॉस करो रोड। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ इस लेन में, तो खैर दूर तक पीछे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, ये मुझे घुमाने लाया, मैं नहीं। ओए रुक जाओ भाई, ये तो मतलब दोनों तुम साथ में चले ही जा रहे हो और इतनी तेज चल रहे हो और बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हो। तो शौर्य अंदर बैठ गया है, उसकी हेयर कटिंग हो रही है, तब तक हम थोड़ा घूम कर आते हैं। चलो घूम कर आया और शौर्य की हो चुकी हेयर कटिंग, अब सही लग रहा है एकदम। तू स्कूल बॉय ज़्यादा ही हीरो टाइप हो गया था तू, हैं अब सही लग रहा है। तृष्णा सुन तो, भैया कैसा लग रहा है अब हेयर कटिंग करवा के? गंदा लग रहा है? कैसा लग रहा है गंदा? त्रिशा को तो सही नहीं लग रहा। चलो लेक साइड चलें। चलो हम इस वक्त हैं खड़ी बाजार में, बाकी बहस चल रही है चीज के लिए। त्रिशा कह रही है मुझे चीज चाहिए, शौर्य कह रहा है मुझे चीज चाहिए। तुझे चीज चाहिए? ओह त्रिशा थक गई भाई, आओ थोड़ी देर शौर्य तू भी बैठ। अच्छा देखो हाँ बोन सोलोज दिख रही है हमें। यहाँ पर कोई जो चू 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 बोल रहा हो, चू 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 बोन सोलो। कृष्णा सुनो तुम्हें पता है? निकल गया। अच्छा सुनो तो हा? पता है अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो चीज नहीं खाते हैं। बड़े ही नालायक हैं, कह रहे हम गंदे बच्चे हैं। ये त्रिशा ने बनाया है, ये खाली बनाया क्या, कलर करा तूने इसमें बस। नैनीताल में आज नगर कीर्तन निकला है, तो लीजिए ये आगे चल रहे हैं पंच प्यारे। क्या बात है इधर होली एक तरीके से देखा जाए, वाह अरे वाह, ओहो ओहो जय हो क्या बात है, वाह क्या बात है। आप सभी दर्शन कर लीजिए, वाह क्या बात है, हमारा सौभाग्य था इस तरीके से हमें दर्शन। बाबा जी के प्रसाद ले ले, शौरू जा प्रसाद ले जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। हम पंत पार्क के पास पहुंचने वाले हैं और क्या है कि चलाओ देखे नीचे कुछ हो रहा है यहाँ पर को, तो यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है। अच्छा आज नगर कीर्तन निकला था, शाम को होगा वैसे इवेंट वो, तो अभी तो खैर दो चार घंटे हैं। स्टंट्स भी दिखाएंगे, शौर्य स्टंट्स आते हैं तुझे? और चाचा कपड़े धोना भूल गए। कपड़े धोना भूल गए तो हाँ यार अभी घर जाना है, खैर हमें कपड़े वपड़े भी धोने, पता नहीं हम क्या करें, हम मम्मी है ही नहीं करते। मेरे पास एक प्लान है, पहले क्या प्लान है, घर जाके कपड़े धोएंगे। हाँ उसके बाद आएंगे, जितनी देर तक कपड़े सूख पाएंगे उतनी देर सूखेंगे, जितने नहीं सूखेंगे हम उन्हें प्रेस से सुखा लेंगे और फिर आ जाएंगे देखने के लिए। चलो लेट्स सी कैसा रहता है। हम पंत पार्क आ ही गए हैं, अंदर देखो कितने लोग दिख रहे हैं बैठे हुए, और क्या है कि तेज चिलचिलाती हुई धूप में ऐसी ठंडक मिल जाए और ऐसी शेड्स मिल जाए। और ये जो एरिया है ना पूरा पंत पार्क वाला एरिया, यहाँ पर कहना ये जो ट्रीज हैं भाई, ये जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना उतनी ये पानी की बौछारें छोड़ते हैं, पता नहीं क्या ही है। शौर्य साथ में चलो यार, आज भीड़ बहुत हो रही है वैसे भी, साथ में चलो सारे। तुम मेरे साथ आए हो यार, तुम मतलब साथ में आते हो बिल्कुल भी। शौर्य तृष्णा रुक तो जाओ, हम साथ में आए हुए हैं, मतलब तुम तो मुझे ऐसे मतलब इग्नोर कर देते हैं ना दोनों यार बिल्कुल ही। आप हमें जानते हैं, कह रहा है कौन है आप? बोट स्टैंड वाले एरिया में आ गए हैं, ये पूरा एरिया रहा खैर क्राउडेड, इस बीच रहता ही है अमूमन, क्या है वीकेंड्स पे और ज्यादा क्राउड हो रहा है भाई, भीड़ में कोई खो मत जाना। ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है, बोट स्टैंड में लगाया है मेला। त्रिशा तो दिखी नहीं है, त्रिशा हमसे इतनी आगे चल रही है। काफल यार, काफल ना मुझे समझ नहीं आता, आड़ू या फिर फूल ये खाएगा तू चीज में? चलो अभी काफल देखते हैं, अगर मिल रहे होंगे तो सही वाले, क्योंकि मुझे लगने ना काफल अच्छे आए हैं।
अगर अच्छे वाले होंगे तो हम ले लेंगे। शौर्य को मछलियाँ दिख गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम है इन बच्चों को मछलियों से भाई, कुछ ज़्यादा ही। ओए आराम से, गिर मत जाना, साइड साइड में चलो एकदम। तो ये मछलियाँ दिख रही हैं साइड में एकदम आराम से। ये इतने क्रेजी हो जाते हैं ना मछलियाँ देखने के लिए, देखो दोनों अपनी उधेड़ उड़ में लग गए हैं। तो मछलियाँ क्यों अच्छी लगती हैं इतनी? ऐसे ही वो तो। ये क्या खिला रही है तृष्णा मछलियों को? मिट्टी खिला रही है यार, वो खाएंगी थोड़ी। और इसे यहाँ गंदगी इतनी हो रही है यार, पता नहीं ये भाई टूरिस्ट आते हैं या मतलब कोई भी हो सकता है जो इस तरीके से बोतल फेंक दे रहा है यार। और लेक में इस तरीके से मत करना है यार भाई, व्यूज आते हो तो प्लीज़ इस तरीके से तो मत ही करना। मुझे ना इनको घुमाना बहुत भारी पड़ जाता है यार, आधा होता है कि इनकी टेंशन क्या। नहीं नहीं वो कह रही है लेक में फेंक दो, मैं यहाँ व्यूवर्स को समझा रहा हूँ कि कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, आप कह रहे हो लेक में फेंक दो, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत गलत बात है। मतलब यार आधी तो इनकी टेंशन की इन लोगों को देखते रहो, क्योंकि इतने दोनों शैतान हैं ना, नज़र बची और दुर्घटना घटी वाले हैं ये, तो एकदम एक का हाथ पकड़ना पड़ता है, एक को देखते रहना पड़ता है, ऐसा वाला है। अभी दोनों बहुत सीधे हैं लेकिन हैं बहुत चालाक, और पता नहीं क्या उधेड़बुन चल रही है अभी इन दोनों के दिमाग में कि क्या कर जाएं हम। आफल ना भी सही वाले नहीं है, कोई और चीज़ ले ले, मैं कुछ और दिला दूंगा, मार्केट चल रहे हैं है ना काफल, क्योंकि सही मुझे लग नहीं रहे, वो बेकार से थे यार, मुझे तो सही नहीं लगे हैं। तृष्णा क्या लेगी, काफल लेगी क्या लेगी? तृष्णा तो चीज़ में हामी भर ली है, शौर्य भी मान जाएगा, चलो ठीक है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, देखो शनिवार इतवार में अगर आ रहे हो आप लोग ना और अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो भाई चेकिंग वेकिंग चल रही है, होटल की ऑनलाइन बुकिंग करवा लेना, उस बुकिंग की आपके पास स्लिप हो जाएगी, होटल की, कोई गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवानी है। होटल की ऑनलाइन बुकिंग करवाओगे उससे क्या होगा, नैनीताल शहर के अंदर एंट्री तभी मिल रही है लाइक अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो, नहीं तो गाड़ी को आपको नैनीताल से 6-7 किलोमीटर दूर खड़ा करना पड़ेगा, फिर वहाँ से शेयरिंग टैक्सी के थ्रू से आप नैनीताल में एंटर करोगे, वरना भाई यहाँ पर शहर में एंट्री नहीं मिल रही है। और ख़ासकर वीकेंड्स पर, हाँ ऐसे नहीं, वीकेंड्स पर मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे में ऐसा हो रहा है। चलो ऐसा करते हैं मार्केट चल रहे हैं, क्योंकि यार रोड साइड तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैं त्रिशा का हाथ पकड़ रखा, शौर्य एकदम साइड चले यार, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यार। हमारा आइसक्रीम पर समझौता हुआ है, शौर्य का ज़रा मूड ख़राब हो गया है क्योंकि कुछ शैतानी कर रहा था तो मैंने डांट दिया इसे, तो आइसक्रीम तो खैर दिला दिया। अभी इसको खोल लो, नहीं खुल रहा है ये, मुँह से निकालो, चलो बैड मैनर्स। ऑनलाइन शूज़ भी मंगाए थे, आ चुके हैं शोरू, ये रहे शूज़, अभी घर में जाके देखेंगे। ये जा रही है लिफ्ट हमारे घर की तरफ से और रोप वे नीचे रहा, रुक जा भाई अभी शूज़ देखते हैं कैसे हैं। बॉक्सिंग कर ली है अपने जूतों की, तो अभी साइज़ चेक करते हैं, होप सही हो, वैसे साइज़ तो ठीक ही होगा भाई, हम इन्हें नहाने के बाद पहनेंगे अच्छे कपड़ों के साथ। हाँ हाँ एकदम स्मार्ट बॉय बनकर हैं। चेक कर रही है भैया के शूज़ जो आए हैं, सही हैं मीत रही हैं, सही हैं, अच्छे लग रहे हैं। ओए लड़की अच्छा सही हो जाएंगे, कोई बात रख दो, चलो शूज़ को नीचे रख दो चलो। भाई सोचा था हीरो बनने की, अब धो रहे हैं कपड़े क्योंकि तुम्हारे कपड़े नहीं धोए ना, स्कूल के कपड़े, तो कल क्या पहन के जाओगे। इट वॉज़ अ हार्ड डे टुडे, आज बहुत थकान हो गई यार, सुबह से काम में लगे हैं। क्या हुआ त्रिशा? त्रिशा के पेट में भी दर्द हो रही है, आज हम सब थक गए हैं, इतना खा लिया है। चलो सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना ज़रूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा पुशुम।